कलेक्टर ऑफिस सर वो ज्ञापन देने आए कलेक्टर साहब को, शहर में जो अवैध रूप से क्लिनिक संचालित है उसमें अभी विगत 29 तारीख को एक बड़ा घटनाक्रम हुआ था। अवैध रूप से जो क्लिनिक संचालित था उसमें घासपुरा में वो संचालित था क्लिनिक, उसमें इलाज के दौरान एक बाहर का व्यक्ति था इटारसी का, उसकी मृत्यु लापरवाही पूर्वक इलाज करने से हुई थी। और क्योंकि वो मामला मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर से जुड़ा हुआ था और ऐसा पता करने पर कि वो डॉक्टर कितने समय से यहाँ पर क्लिनिक संचालित कर रहा है, तो वहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा बताया गया कि 5-6 साल से वो लगातार यहाँ पर क्लिनिक संचालित हो रहा है, लेकिन वो डॉक्टर जो था वो मेडिकल कॉलेज में पदस्थ है और शासकीय नियमों के तहत उसके द्वारा वो क्लिनिक संचालित नहीं किया जा सकता। क्लिनिक के संचालन के लिए जो शासकीय नियम निर्धारित हैं उसमें जो डॉक्टर सरकारी डॉक्टर है वो एनपीए नहीं ले, मतलब जो सरकारी पैसा है वो नहीं ले पाए, और दूसरा ये कि उनको पर्यावरण की ओर से, शासन प्रशासन की ओर से, स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक अनुमति ले, अनुमति प्राप्त करने के पश्चात ही क्लिनिकों का संचालन करें, लेकिन संबंधित क्लिनिक जो था जिसमें ये घटनाक्रम हुआ वो क्लिनिक ना तो कोई निर्धारित नियमों का पालन कर रहा था और ना वो डॉक्टर जो संचालित कर रहा था उसने किसी प्रकार से नियमों का पालन किया। क्या डॉक्टर अभी भी प्रैक्टिस कर रहा है? डॉक्टर अभी भी वो क्लिनिक को तो स्वास्थ्य विभाग ने बहुत प्रयासों के बाद, कलेक्टर साहब से मेरी चर्चा हुई उसके बाद में वो क्लिनिक सील हुआ। वो घटना के बाद दूसरे और तीसरे दिन उसने इतना होने के बाद भी, मृत्यु होने के बाद भी और उसका नियमित संचालन होने के बाद भी, वो घटना जब घटित हुई उसके बाद भी उसने तीसरे दिन उस क्लिनिक को खोल लिया। मेरी चर्चा हुई सीएमएचओ साहब के साथ में, उसके बाद में उन्होंने सील करने की कार्रवाई उस क्लिनिक पर की है, लेकिन वो डॉक्टर आज भी मेडिकल कॉलेज में पदस्थ है और अपनी सेवाएं दे रहा है। आप क्या चाहते हैं उसके ऊपर? जो शासन के विरुद्ध उसने जो नियम के विरुद्ध जो काम किया है, क्लिनिक का संचालन जो चल रहा था उसका एनपीए वो ले रहा था और आज भी ले रहा है, अभी भी वो पदस्थ है, उसके ऊपर शासन के नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए। आपका परिचय जी? आपका परिचय? मेरा नाम है राजू पवार, पूर्व पार्षद किशोर कुमार गांगुलीवाल। एसी, कूलर, फ्रिज, डीप फ्रीजर, इन्वर्टर, मोबाइल सब मौजूद है अंबेडकर चौराहे के सामने, पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक, सभी प्रोडक्ट वो भी रीजनेबल रेट पर। एक बार जरूर विजिट करें।